इतवार के दिन के टॉप 10 क्विकली रैप अप कर देता हूं। HCL Tech, क्योंकि जर्मनी के एक बैंक से 278 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, डील साइन करी है 278 मिलियन डॉलर, लेकिन ध्यान रखिएगा 7-7.5 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है। TVS सप्लाई चेन, इन्होंने 5 साल का करार कराया डैमलर ट्रक्स के साथ। इंटीग्रेटेड सप्लाई सॉल्यूशंस मुहैया कराएंगे सिंगापुर में। गोल्ड डिजिट जनरल इंश्योरेंस के रिजल्ट्स कल बाजार बंद होने के बाद आए। नेट प्रीमियम अर्नड साल दर साल 42% इंप्रूव हुआ है, मुनाफा भी साल दर साल 106% का जंप दिखा रहा है। GMR एयरपोर्ट्स कल इन्वेस्टर मीट थी, अच्छे टेकअवेज मिले वहां से। ये कंपनी कह रही है नए टैरिफ्स के लिए एप्लीकेशन डाल दिए दिल्ली एयरपोर्ट की, और FY25 की Q4 ऑनवर्ड शायद वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। प्लस केपेक्स अपडेट शेयर करे दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट्स के, वगैरह वगैरह। तो अपडेट अच्छे हैं, देखने रिएक्ट कैसे करेगा स्टॉक। इकरा, इन्होंने अपडेट दिया है कि IT डिपार्टमेंट से एक आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑर्डर है 52 करोड़ रुपीज का FY17 के लिए। रडार पर रखेंगे डॉलर इंडस्ट्रीज, आज अपडेट आया हुआ है दक्षिण भारत में फोकस बढ़ाने की कोशिश, 50 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स खोलेंगे। प्लस FY25 इस साल दक्षिण भारत से 50% रेवेन्यू ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रडार पर रखिए IOL केमिकल्स, ये कह रहे हैं इनकी एक दवा को यूरोपियन डायरेक्टरेट से मंजूरी मिली है, वहां के बाजारों में अब ये दवा बेची जा सकती है। रडार पे रहेगा एमटार और एस का काउंटर, दोनों की तरफ से डिस्क्लोजर्स हैं प्रमोटर्स की सेलिंग के, दोनों स्टॉक लेकिन हरे में खुलने की कर रहे हैं तैयारी। रडार पे रहेंगे कुछ और लार्ज ट्रेड्स, एडोर, सबसे पहले तो इंटरग्लोब एविएशन, प्रमोटर्स ने 77 लाख शेयर्स बेचे थे, 31 लाख शेयर्स सिटी ग्रुप ने खरीदे, इसका अपडेट है, बाकी अपडेट्स नहीं है। एडोर वेल्डिंग में कल क्वांट म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी। होनासा में जैसे आवास का एक्सक्लूसिव था, सेलिंग हुई फायरसाइड और सोफीना की तरफ से, बायर का नाम सामने नहीं आया। TCNS क्लोदिंग में कल TA एसोसिएट्स ने अपना एक माल छोड़ा है। ये सब स्टॉक लार्ज ट्रेड के चलते रडार पे। फाइनली आज की बोर्ड मीट, 361 वैम प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर विचार कर रहा है, और शोभा जो राइट इशू लाने वाला है उसके कॉन्टोर्स आज तय करेगा। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए और सारे स्टॉक्स स्क्रीन पर रखने के लिए। विद आई थिंक प्राइस एक्शन आपकी स्क्रीन पर, गिफ्ट निफ्टी को बेहद शानदार तरीके से अगर आप देखें दरकिनार करके करीब करीब 80 पॉइंट ऊपर की ओपनिंग होती हुई। अनुज, एक बार हम फिर से कल के हाईएस्ट क्लस्टर के आसपास खुलेंगे, मोर और लेस लेवल्स टू वॉच क्या रहेंगे अनुज? बिल्कुल देखिए, लेवल्स टू वॉच की जहाँ तक बात है वीरू, निफ्टी में एक्चुअली मुझे लग ही रहा था कि प्रियो गिफ्ट निफ्टी गलत दिखा रहा है, मतलब कोई रीज़न नहीं था मार्केट का नीचे खुलने का, और अब तो गैप अप ही हो रहा है सीधा, तो अब बाय जोन का वेट करें। पहले तो मेरा व्यू ये था कि खुलते ही खरीदें, लेकिन अब वो व्यू चेंज हो जाएगा। पहले सपोर्ट की बात करते हैं, 23120 से 23210 ऑप्शंस के हिसाब से, और कल का लो भी है, और बड़ा सपोर्ट 22950 से 23050 करीब करीब चार्ट के हिसाब से। यहाँ पर आपका बाय जोन रहेगा वीरू 23250 से 23300। अब इतने बड़े गैप अप पे शायद ना चेज़ करें आप, अगर कर रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी में लें, और उसके बाद 23250 से 23300 ढंग के जोन है लेने के लिए, और ऐड करने के लिए 23150 से 23250, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23050 का। अपसाइड पर 23350 से 23411, ये कल का ड्रॉप जोन, यही रेजिस्टेंस मिलेगी आपको, और मेरा एक व्यू है कि 23500 से 600 तक जाने की तैयारी हो रही है, यहाँ पर सेलेक्टेड है नहीं मार्केट में इस समय। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात आज एक्सपायरी है, तो हो सकता है थोड़ा और मार्केट कंसोलिडेट करे, 49500 टू 49550 और फिर 49350 टू 49450 ये सपोर्ट लेवल्स हैं, तो 49650 टू 49750 मिल जाए तो वो बाय जोन होगा, और एक स्टॉप लॉस लगा कर रखें 49450 का। यहाँ पर भी कोई सेल ट्रेड नहीं है, वरना अपने आपको स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करें, और टुवर्ड्स द एंड हम एक व्यू लेंगे कि क्लोजिंग के लिए आपको लेके जाना है या नहीं। ओके, तो ये है लेवल। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।